हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट कुकी केक। केक के का जो मोल्ट है, मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस नीचे से करके ना ऊपर चिपका दिया। ग्रीस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो वैसे ही बटर पेपर है, लेकिन मैंने इस वजह से ग्रीस किया है कि अगर हम इसको ग्रीस नहीं करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, इसके ऊपर बैठेगा नहीं। पेपर है ना, तो बार बार निकलता रहेगा। तो आप ज़रा सा ग्रीस करके इसको, अंदर से ग्रीस करके इसको चिपका देंगे तो ये देखें इस तरीके से आपके मोल्ट पर चिपक जाएगा ना, ये देखें। तो ये हमने रेडी कर लिया है। मेरे पास कुकीज़ हैं, 25-30 कुकीज़ हों आपके पास। और मेरे पास ये चॉकलेट सिरप है, ये गार्निश के लिए है। क्रीम है मेरे पास, ये जो पैकेट की क्रीम होती है, विप करते हैं जिसको, ये वाली, ये क्रीम है। आप एक पैकेट होता है, इसके अंदर पानी दूध ठंडा डाल के, तो इसको थोड़ा सा दूध डाल के तो इसको विप करते हैं, तो ये इस तरह का हो जाता है। पाउडर फॉर्म में होती है, फिर बाद में ये क्रीम में आ जाती है चेंज। कोको पाउडर है हमारे पास, ये मेरा एक पैकेट है, और ये कोको पाउडर है जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। चॉकलेट है मेरे पास, 150 ग्राम चॉकलेट है, कुकिंग चॉकलेट ले लें। और ये मेरे पास मिल्क है, जो मैं बाद में इसमें चॉकलेट में ऐड करूँगी, थोड़ा सा दो तीन चम्मच हमें मिल्क चाहिए। आलमंड्स हैं गार्निश के लिए। और ये चॉकलेट है मेरे पास, 4-5 टेबल स्पून चॉकलेट है, जो कि आपने इसकी लेयरिंग करनी है, मेल्टेड चॉकलेट है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये सारे कुकीज़ को इस तरीके से बिछाते जाना है इसमें। आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो कोको पाउडर है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर कोको पाउडर जो है इस चॉकलेट के अंदर मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको स्पून से मिक्सअप करके थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके अंदर हम, बाकी हमने उसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करते हैं और फिर इसकी लेयरिंग करते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसकी ना ऊपर लेयरिंग करते रहेंगे हम चॉकलेट की। इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने थोड़ी थोड़ी लगानी है। जब वो बिस्किट रखेंगे तो वो प्रेस वैसे ही हो जाएगा। जब इसके ऊपर अब स्टेप बाई स्टेप कुकीज आएंगे तो ये खुद ही वो हो जाएगी, दब के फैल जाएगा। तरीके से सेकंड लेयर लग गई। सेकंड के बाद अब हमारी जो क्रीम है, क्रीम इसके ऊपर डालते हैं। एक लेयर चॉकलेट की लगाइए, एक लेयर क्रीम की। फिर कुकीज़ आ जाएंगे। इसको आपने सेट करने के बाद, मतलब इसको बनाने के बाद आपने तकरीबन 3-4 घंटे इसको फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में, ताकि ये सेट हो जाए केक। आलमंड्स लिए हैं मैंने थोड़े, सिर्फ गार्निश के लिए। तकरीबन आप 25-30 आलमंड्स ले लीजिएगा। अब ये इसी तरह मैं बाकी पे भी ना लेयर लगा देती हूँ। जैसे ये क्रीम की लगाई है, अब मैं फिर क्रीम डालती हूँ।
ऐसे क्रीम डालने के बाद देख लें आप, फिर एक ये क्रीम डालने के बाद ये सेकंड थर्ड लेयर है हमारी। पहले हमने चॉकलेट लगाई, फिर क्रीम लगाई, फिर चॉकलेट लगाई, अब फिर मैंने ये क्रीम लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर फिर कुकीज़ रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बनने वाले लेयर्स। ये जी देखें मैंने इसकी 5 लेयर्स लगा ली हैं, 5-6 लेयर्स लगी हैं इसकी ना चॉकलेट की। पहले एक चॉकलेट है, फिर आपकी क्रीम आ गई, फिर आपके कुकीज़ आ गए, फिर चॉकलेट है, फिर क्रीम है, फिर कुकीज़ है। इस तरीके से ना लेयर्स इसकी आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि मैं अपने ये जो चॉकलेट ट्रे वाली है मेरे पास, इस चॉकलेट के अंदर ज़रा सा दूध डाल के 2-3 टेबल स्पून, इसमें ही मैंने 2-3 चमचे ऐड किया था दूध, और 2-3 चमचे ये डाल के दूध के हम इसको रखते हैं। अगर हम इसमें ज़रा सा दूध और डालना होगा लिक्विड करने के लिए तो हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इसको मैं माइक्रो में करके इसको सॉफ्ट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है, लेकिन चॉकलेट में मुझे और दूध डालना है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून हम डाल चुके थे, तो ये भी मेरे ख्याल से हम सारा ही डाल देते हैं इसमें, ताकि आप देख लीजिएगा कि बस उसके ऊपर पोर मतलब लिक्विड कितना आ जाए, फैल जाए। तो ये जब मिक्स करते हैं तो वो दूध जितना भी है वो सारा खुश्क हो जाता है, ड्राई कर लेती है चॉकलेट। अच्छा अब ये है कि इसको हम तलने के बाद जो है ना इसके ऊपर डालते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इसके ऊपर चॉकलेट डाल दें, वो कहीं से आपके क्रीम, कहीं से कुकीज़, कहीं से चॉकलेट नज़र आएगी तो अच्छी लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरे को कवर कर लें तो पहले आप इसको जो है ना फ्रीज़ कर दीजिएगा, जो मैंने पहले बनाया था उसको फ्रीज़ कर दें, उसके बाद चॉकलेट और कुकीज़ से कुकीज़ से नहीं सिर्फ चॉकलेट से इसको कोट कर लें। ₹150 इसमें ये चॉकलेट है, तो वो वाली लिक्विड वाली चॉकलेट हमने पहले डाली है वो 5 टेबल स्पून है भर के। बस अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लीजिएगा, जितनी चॉकलेट आपकी अच्छी होगी उतने अच्छे ये बनेगा इसका केक। डालने के बाद अब आप ना देखें यहाँ से भी ऐसी हो गई, इसको ज़रा सा ऐसे करें ताकि जितनी भी है चॉकलेट सब पे। कोई भी डिज़ाइन बना लें ऊपर, ये इसको फ्रीज़र में आप मैक्सिमम अगर रात को बना के रख दें तो बहुत अच्छा है कि सुबह बड़ा अच्छी उसकी वो होगी, लेकिन इनके कोई बात नहीं है ऐसी कि आप बाद में भी 3-4 घंटे में भी ये जम जाएगा ना, फ्रीज हो जाएगा। आलमंड लगा दें ऊपर, ये देखें अब ना ये मैंने इस पर क्रीम डालने के बाद इसे आलमंड से गार्निश कर लिया है। अब आपके कहीं आलमंड ये ऊपर से ज़रा सी हम चॉकलेट डाल देते हैं, लिक्विड चॉकलेट। अब मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ 4 घंटे के लिए मैक्सिमम, तो मैं 4 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है ना, केक कैसा हुआ है। ठीक है इसको कवर करते हैं हम, इसको ऐसे रैप नहीं कीजिएगा वरना ये होगा कि वो जो आपकी वो है फाइल अगर हो तो आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं ऊपर से ये क्लीन चढ़ा रही हूँ ताकि वो सही पैकअप हो जाएगा। और इसको मैं 4 घंटे के लिए मैक्सिमम रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना। जी ये देखें ये मैंने रेडी कर लिया है, अब मैंने निकाला है इसको, मेरे 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे बाद हमने इसको निकाला है। इसका ये हटाते हैं ऊपर से, ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है। अब बटर पेपर से आसानी ये होगी आपको कि ये आराम से निकल जाएगा, ये देखें इसी तरीके से आराम से निकल गया। और ये आपका मोल्ड जो है मतलब इसमें चिपका वगैरह नहीं है, अब आपने इसके ऊपर से हटाने के लिए आराम आराम से इसके ऊपर से हटाते हैं,
ये देखिए सही है। अब मैं इसका पीस करके बताती हूँ आपको, मैं आपको इसका स्लाइस करके दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में से बिल्कुल सही हो गया है। अगर ये ज़रा सा 1 घंटा और रहता तो ऊपर से जो भी सॉफ्टनेस आ रही है इसकी, ये भी सही हो जाती। तो ये देखें आपका केक रेडी है। इसको ये ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखें हो गया, रेडी हो गया ये। अब आप इसको ज़रूर बनाइएगा, चैनल को लाइक करें जी करिएगा और सब्सक्राइब करवाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको जो भी मेरी रेसिपी है पसंद आ रही है और आप देख रहे हैं। तो दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।